सलाम अलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्किया में आगे आप देखेंगे कि रूमी और हमना की शादी की तैयारियां अरूज पर होती हैं। दूसरी तरफ हमजा और रूमी के वालिद की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और रूमी को हमजा की किसी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। और दूसरी तरफ जैसा कि हमजा ने एक गिफ्ट हमना के लिए लिया था, मगर हमना ने वो हमजा से लेने से इनकार किया था और कहा था कि वो ये गिफ्ट उसे शादी वाले दिन दे। हमजा वही गिफ्ट रूमी को हमना के सामने देता है। दूसरी तरफ हमना और रूमी के वालिद की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमजा उन्हें लेकर जाता है। रूमी अपने वालिद को परेशान देखकर हमजा पर बरस पड़ती है। वो समझती है कि शायद हमजा ने उन्हें तकलीफ दी है। वो कहती है, आप आकर चाहते क्या हैं। हमजा रूमी का गुस्सा ठंडा कर देता है क्योंकि बात संभालने में वो माहिर है और रूमी के वालिद भी हमजा से खफा नहीं होते जब रूमी अपने वालिद से कहती है, मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो कोई आपको तंग करने वाला नहीं होगा। रूमी के वालिद कहते हैं, तुम दोनों अपने अपने घरों में खुश रहोगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुद ठीक हो जाऊँगा। दूसरी तरफ हमना और रूमी दुल्हन बने बैठी हैं और बारात का इंतज़ार कर रही हैं। अगर हमजा हमना को फ़ोन करके कहता है कि आज दो बारातें नहीं आएंगी, तुम्हारी बारात तो आएगी मगर रूमी की नहीं आएगी। हमना यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, मगर लगता है कि हमजा ने यह सिर्फ हमना को तकलीफ़ देने के लिए कहा है, क्योंकि रूमी से शादी करने से ही तो हमजा का बदला पूरा होना है। वो बारात तो लेकर आएगा मगर बहुत देर से। दूसरी तरफ हमना के वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा और उनकी मौत भी हो सकती है। हमना को हमजा से और ज़्यादा नफरत होने लगेगी। डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर जरूर करें। हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।